नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज है 16 जून सन 2024 रविवार। दोस्तों, खाद्य पदार्थों में देश का सबसे बड़ा चैनल गेहूँ, मक्का, बाजरा, चावल, जौ, ज्वार, इन सभी पर हमारे अपडेट हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त तिलन, दलहन, मसाला, कपास, इसके ऊपर भी हमारे चैनल पे लगातार अपडेट मिल रहे हैं। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि खाद्य मंत्री की चावल निर्यातकों और चावल मिलर्स के साथ शुक्रवार को बैठक हुई है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, एक विनम्र अनुरोध, साप्ताहिक न्यूज़लेटर सर्विस मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है। इसमें आपको प्रतिदिन दलहन, तिलहन, मसाला, अनाज, इन सब के डेली मंडियों के भाव और साप्ताहिक रूप में अलग अलग कमोडिटीज़ के ऊपर अपडेट मिल पाएगा। आज ही संपर्क करें। खबर निकल के आ रही है कि शुक्रवार को केंद्रीय खाद्य मंत्री ने चावल उद्योगों के निर्यातक एवं चावल मिलर्स के साथ एक बैठक होने के समाचार हैं, जिसमें चावल के निर्यातकों ने सरकार से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और चावल निर्यात पर लगे प्रतिबंध को में रियायत देने के या प्रतिबंध हटाने के लिए आग्रह किया है। इस बैठक में व्यापारियों ने कहा है कि चावल मूल्यों को लेकर अधिक सख्ती नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा धान की खरीदी 31 रुपये प्रति किलो यानी 3100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से किए जाने के बाद मिलर्स 30 से 35 रुपये प्रति किलो मूल्य पर चावल की बिक्री करना व्यावहारिक नहीं रहा है। दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य पर धान की खरीदारी की है और उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के दौरान जो वायदे किए थे उसको भी लागू किए जाने की संभावना बन रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय पूल में 1 जून को चावल का स्टॉक एक वर्ष के यानी पिछले वर्ष के समान की अवधि 4,14,20,000 टन के मुकाबले 21.8% बढ़कर 5,04,60,000 टन हुआ है। यानी पिछले साल जो 4,14,20,000 टन का स्टॉक था, इस बार लगभग 22% बढ़कर 5,04,60,000 टन रहा है, जिसमें से 1,79,40,000 टन तैयार होने वाले चावल के बराबर धान की उपलब्धता रही है। वर्तमान वर्ष में धान स्टॉक एक वर्ष पूर्व के मुकाबले 18% बढ़ने के भी समाचार हैं। गौरतलब है कि खुले बाजार में कुल मिलाकर ये भी ध्यान देने वाली बात है, सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कल्याणकारी योजनाओं में 4,00,000,000 से 4,10,00,000 टन की आवश्यकता होती है और वर्तमान में 21 करोड़ राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह व्यक्ति को मुफ्त में 5 किलो चावल या गेहूं अभी वितरित हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो स्टॉक है वो पहले से लगभग 21.8% अधिक है, अतः कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि जुलाई 2030 से फरवरी 2024 के दौरान सरकार ने ई ऑक्शन यानी ई नीलामी के माध्यम से अधिक चावल बिक्री करने के प्रयास में ई नीलामी के अंतर्गत 2,00,000 से लेकर 6,00,000 टन चावल की बिक्री के लिए ऑफर किया था, लेकिन 8 महीने के दौरान कुल बिक्री मात्र 2,00,000 टन से भी कम हुई है। लेकिन घरेलू बाजार में चावलों के दाम वृद्धि हुई है, ये भी एक समझने वाली बात है। गौरतलब है कि देश में यानी केंद्र सरकार ने साल 2024-25 के दौरान रिटेल बाजारों में भावों को कम करने के लिए केंद्रीय पूल में सरप्लस स्टॉक से अनुमानित 1,70,00,000 से 1,80,00,000 टन बिक्री करने के लिए प्रयास किया था। गौरतलब है कि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक्स्ट्रा आवंटन खुली बाजार बिक्री योजना के तहत साप्ताहिक ई नीलामी दोबारा शुरू करने और राज्य को सीधे बिक्री जैसे कार्य करने के पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। दोस्तों, खबर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के दौरान गेहूं के भाव जब 3,000 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर के भाव चले थे, जो ओपन सेल मार्केट स्कीम के तहत गेहूं की बिक्री से गेहूं के दामों पर काफ़ी काबू लगाया गया था, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कुछ व्यापारियों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया था और छोटी छोटी चक्कियां जिनके पास थी उन्होंने भी, कई व्यापारियों ने और संगठनों ने तो
एक से अधिक रजिस्ट्रेशन करा के काफ़ी हद तक माल उठाकर उसको बाज़ारों में बेचा था। तो दोस्तों ये तो एक व्यापार में और व्यवसाय में होता है कि कई कई बार अधिक फायदा किसी को मिलता है कम मिलता है, लेकिन चावल के निर्यात पर जो प्रतिबंध है साथ साथ मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस के ऊपर जो चावल की प्राइसिंग है उससे चावल निर्यात को धक्का जरूर लगा है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि चावल के दूसरे निर्यातक देशों ने इसका भरपूर लाभ उठाया है। अधिक समय तक ये प्रतिबंध और या शर्तें लागू रही तो दूसरे देशों के मुकाबले भारत का चावल निर्यात उद्योग पिछड़ जाएगा, इससे बड़ी रेवेन्यू यानी राजस्व की प्राप्ति में भी समस्या आएगी। कुल मिलाकर सरकार को सिंपैथेटिक यानी सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, जिसकी प्रबल संभावना है इससे चावल के भाव और निर्यात में फ़ायदा मिलने की प्रबल संभावना बन गई है। दोस्तों आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ साथ चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा के अलावा तिलहन, दलहन, मसाला इन सभी की विशेष रिसर्च रिपोर्ट सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो सकती है। आज ही संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।